मॉर्निंग फ्रॉम रत्ती गली बेस कैंप। और इस टाइम पर बज रहे हैं सुबह के 5, मैं उठ गया हूँ, बाकी सब सोए हुए हैं। ये पीछे बेस कैंप है, बड़ा खूबसूरत, आपने कल देखा होगा यहाँ पे। और यार यहाँ पीछे देखो, क्या यहाँ पर क्या खूबसूरती है। आप लोगों ने कल देखा होगा कि हम रत्ती गली गए, रत्ती गली में जो है मौसम ख़राब हो गया कैंपिंग की, फिर अचानक हमें वापस आना पड़ा क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। स्टिल अभी तक बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की, रात भर बारिश पड़ती रही है तेज़। तो हमारा ये फैसला बिल्कुल ठीक था कि हम वापस आ जाएं। आज का हमारा प्लान फ़िलहाल ये था कि सुबह सुबह उठ कर रत्ती गली जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह का जो सीन होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन लग नहीं रहा है था कि हम वापस जा पाएंगे, क्योंकि एज यू गाइस सी कि अभी तक बादल हैं, बारिश हो रही है। तो लेट्स सी अब क्या प्लान बनता है। वैसे हमारी गाड़ी वाले ने कहा हुआ कि 9 या 10 बजे वापस जाएंगे, लेकिन अगर मौसम थोड़ा भी साफ़ होता है ना बॉस का, अगर 1 या 2 घंटे की विंडो मिलती है, तो मैं अच्छी सी वहाँ पे जाके दोबारा पिक्चर्स और दोबारा से वीडियोस बना सकूँ। तो फिंगर क्रॉस्ड। तो मैं सुबह यहाँ उठा, वीडियो बना रहा था, अवैस भाई मुझे मिले यहाँ पर। अवैस भाई का रईस भाई मिले हैं मुझे। तो रईस भाई की यहाँ पर ये टेंट सिटी रईस भाई की है। रईस भाई ने मुझे चाय पिलाई यहाँ पर, और रईस भाई ने बताया कि यहाँ पर अराउंड जो है वो 72 लेक्स टोटल हैं नीलम में, लेकिन इसके अराउंड भी 7-8 झील हैं जो आप हाइक करके 36 हैं जो 3-4 दिन में आप कर सकते हैं। अच्छी लेक्स है, मतलब उसमें गटिया लेक है और हर्षराज लेक है, जिस मुस्तनसर से तारा ने अपनी बुक के अंदर जिसका नाम रखा हुआ, जिक्र भी किया उसका बाकायदा। अगर मुस्तनसर से आपकी बुक पढ़ सकें आप, तो उसको कर सकते हैं। फिर काला सर 1 है 2 है 3 है, फिर आगे नूरी लेक है, इसी तरह आगे पतला लेक है। ये मतलब जो अच्छी लेक है इनकी मैं बता रहा हूँ। वैसे बस अभी मैंने अवैस भाई से डिसाइड किया है, इनका नंबर भी लिया, कार्ड भी, कि नेक्स्ट टाइम जब मैंने आना है तो इधर जो है स्टे करना है 5-6 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, और ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह डिस्कवर करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अवैस भाई आपका मैंने लगा के। सामने सब ग्लेशियर्स देखे, पानी आ रहा है नीचे ग्लेशियर्स से, ऊपर ग्लेशियर है। चश्मे जो निकलना जाके कल वाला खतरनाक पार्ट, ये पीछे ग्लेशियर के नीचे भी ग्लेशियर और वो पत्थर को बराबर कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए। जैसे ही थोड़ा नीचे आए मौसम देखो कैसे क्लियर हो गया। वो पीछे अभी भी ऊपर पहाड़ से आ रहे हैं, वहाँ अभी भी बादल हैं और बारिश हो रही है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मौसम बिल्कुल क्लियर है, शुक्र है। नीचे आ गए, रात को इतनी ऊपर ठंड थी, -3-4 गया हुआ था। और अच्छा है हम लोग रत्ती गली में नहीं चले गए सारे यार नीचे, तो शुक्र है अब नीचे आ गए हैं। जैसे ही नीचे आए हमने स्टे करके पीछे गाड़ी के बैठ गए आकर और एंजॉय करने के लिए। नीचे अभी इधर आकर ऐसे लग रहा है जैसे हीटर में आ गए नीचे, ऊपर इतनी ठंड थी रात को, लिटरली -2 और -3 में गए हैं। अच्छा हमने रत्ती गली में स्टे नहीं किया, और देखो कैमरा नहीं फड़ाया जा रहा।
सो जी रत्ती गली से वापस आ गए। हुआ वही जिस बात का डर था कि कज़न की जो है बाइक की वो क्लच प्लेट्स जल गई थी, और हम एक दफ़ा डर गए कि यहाँ से कैसे जाएंगे बाहर। मुजफ्फराबाद तक भी तकरीबन यहाँ से 7 घंटे का सफ़र है, वहाँ से क्लच प्लेट्स लाएंगे डलवाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहीं से प्लेट्स मिल गई और अब हम निकलने लगे हैं अपने वापसी के सफ़र के लिए। बीच में केरन में रुकेंगे, फिर अगले का बताते हैं उन लोगों को। अब बस घर जाना है, किस तरह मुझे घर ले जाओ। बैक साइड करते करते जो है 18 बज गए, अब यहाँ से वापसी जाना है, केरन में जाके रुकते वापसी। अभी लगाते हैं मैप को, हाँ 9 आवर्स बता रहा जी यहाँ से, माशाल्लाह से 238 किलोमीटर। ओह माय गॉड, ये कौन सा मुजफ्फराबाद लग गया भाई, किधर बाइक गंदी हुई है लेकिन अच्छी लग रही। तो जी ब्लूटूथ को कर लिया कनेक्ट, निकलते हैं इधर से, बाय बाय दुआरियाँ। मज़ा आया यार, याद रखूँगा इन वादियों को, इधर के लोगों को, इतने हेल्पफुल लोग हैं यहाँ के। अल्लाह हाफिज़। इतने हेल्पफुल लोग हैं, कल से हमारा सामान रखा हुआ था, परसों हमने खेत में सामान रख पाया, लेकिन किसी ने छोटी सी कंप्लेन भी नहीं की, बस सिर्फ कहते हैं आप अपना घर समझकर जो है ये चीज़ें छोड़ जाएं यहाँ पे। यहाँ के लोगों की जितनी खूबसूरत यहाँ की वादियाँ हैं, उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। शुक्र है सारी प्रॉब्लम्स हल हो गई, अल्लाह पाक का करम ही रहा है पूरे टूर पर। बस आज का लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता, ऐसे ही है जैसे मैं कोयटा से फैसलाबाद जा रहा हूँ, बल्कि इससे भी लंबा है, लेकिन रास्ते साफ हैं अभी तक के, रास्ते अच्छे हैं। तो लेट्स होप, यहाँ पे केरन है, केरन पे स्टॉप करेंगे, अभी मेन रोड पे जाएं। यहाँ से आगे पीछे हम जब आ रहे थे दुवारियाँ तक तावबट से, वो सारा ऑफ रोड है, यहाँ से सारा जो है आगे हाँ रोड शुरू हो जाता है। चलो जी अपना सफ़र करते हैं शुरू, यहाँ से रोड बिल्कुल साफ सुथरा है टिल फैसलाबाद, तो अभी निकलेंगे फैसलाबाद की तरफ इंशाल्लाह। तो ये जी सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ये सारा इंडिया LOC का इलाका है। यहाँ 2 मिनट चाय पी लें, 2 मिनट सुकून से बैठ जाएं, उसके बाद जो है निकलेंगे यहाँ से। तो ये जी ये केरन का इलाका, टूरिस्ट स्पॉट एक बड़ा, और ये सामने इंडिया बिल्कुल जी। और हम यहाँ रुककर एक 10 मिनट रुकते हैं, बस 10 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद लंबा जाना है, तो यहाँ रुक कर चाय वाय पियेंगे आराम से। और जितना भी है मैं अपने GoPro से रिकॉर्ड करूंगा, आई थिंक यहाँ पर दूसरी रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं है, तो ये जो भी रिकॉर्डिंग करूंगा अपने GoPro से ही करूंगा, दूसरी से GoPro से करनी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इजाज़त नहीं देते दूसरे मोबाइल निकालने की या रिकॉर्डिंग वगैरह करने की। ये नीलम जा रहा है और वो आगे LOC है, नीलम मुड़ भी रहा है जा भी रहा है। एक वॉशरूम ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, और आप लोग का भाई नज़र आ रहा होगा, ये जी सामने बिल्कुल इंडिया। मैं उसको बंद करता हूँ, मिलता हूँ बाद में। चले भाई शुरू में ही चाय ब्रेक हो गई है, अब नेक्स्ट स्टॉप पे इंशाल्लाह फ्यूल ब्रेक का करना है, और बड़ा स्टॉप जाके इंशाल्लाह मरी के करीब या मरी में ही करेंगे। ये जी सामने सारा इंडिया देख लो, इंडिया वाले भाइयों, बीच से सिर्फ नीलम जा रहा है, दरिया बह रहा है, उस साइड पर इंडिया, इस साइड पर हम हैं, ये सारे घर इंडिया के हैं सामने। और आई थिंक वो सामने ऊपर उनकी चेक पोस्ट है, वो ऊपर लगी हुई, अगर हम देखेंगे तो वो सामने उनकी चेक पोस्ट है।
सो एनी हो निकलते हैं यहाँ से, ब्रेक ले लिए, अब लंबी ब्रेक जो है अब लंबा जाना है।